हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? आई होप सब ठीक होंगे। तो क्लास में आपका चल रहा था एडियोमेटिक एक्सप्रेशन, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने कुछ 11th आपके एडियम्स कवर किए हैं क्लास में, तो बाकी के जो इम्पोर्टेंट हैं एडियम्स वो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग इसके नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज मैं टेलीग्राम चैनल पर, जो मेरा फ्यू करके चैनल है, उस पर मैं शेयर कर दूँगी। फ्यू करके है, आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या इसी में अगर आप डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो इसमें लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इडियम है आपका ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, आग में घी डालना, है ना? जैसे फायर मीन्स क्या होता है? आग। ऐड फ्यूल यानी कि पेट्रोल अगर हम डाल देंगे, आग जल रही है, पेट्रोल डालेंगे तो आग और ज़्यादा भड़क जाएगी, है ना? यानी कि बिगड़ी हुई चीज़ को और बिगाड़ देना। मेक बैड थिंग्स वर्स। वर्स मीन्स होता है एकदम ख़राब सिचुएशन, एकदम अजीब सिचुएशन, एकदम ख़राब सिचुएशन, यानी कि बिगड़ी हुई चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ देना। ऑलरेडी वो चीज़ें बिगड़ी हुई है और उसमें आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के घर में आग लगी है, ठीक है? किसी के घर में आग लगी है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आग लगी है तो आपको करना चाहिए कि उसमें पानी डालें, है ना? और आप क्या कर रहे हैं? उसमें पेट्रोल डाल दे रहे हैं, यानी कि आग लगी है ऑलरेडी और उसमें आप पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा? और ज़्यादा भड़क जाएगी, यानी कि बिगड़ी हुई चीज़ को आप और ज़्यादा बिगाड़ देंगे। क्योंकि ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम में जो एक्सप्रेशन होते हैं, यानी कि भावना हम ज़्यादा समझते हैं, ना कि उसके लिटरल मीनिंग। क्योंकि ईडियम में लिटरल मीनिंग कुछ भी नहीं होती है, उससे निकलने वाला जो एक्सप्रेशन होता है हम उन्हीं चीज़ों को लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट मीन्स होता है पीटना, ब्लैक एंड ब्लू यानी कि आप किसी को इतना पीटते हैं कि वो ब्लैक और ब्लू हो जाता है। मीन्स क्या है? निर्दयी होकर पीटना, बीटिंग मर्सी लेसली, ठीक है? नेक्स्ट है आपका रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि दो लाइन्स हैं उसके बीच भी, दो पतली सी लाइन्स हैं उसके बीच भी आप कुछ ना कुछ समझ ले रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर ले रहे हैं। मीन्स कि आप उसमें जो छुपा हुआ अर्थ है, जो छिपी हुई मीनिंग है, उसको भी आप समझ ले रहे हैं। आपकी जो थॉट है वो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। नेक्स्ट है क्रॉस स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार, यानी कि दो तलवार आपस में इस तरीके से हैं, तो इसका क्या मतलब है? दो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, तो इसका मीन्स कि टू क्वेरल और फाइट, लड़ना है, लड़ रहे हैं या लड़ने की सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे क्रॉस स्वॉर्ड। देखिए यहाँ पर ना कोई तलवार है और ना कोई तलवार लेकर खड़ा है, लेकिन बट इसका जो एक्सप्रेशन है वो निकल कर आ रहा है, टू क्वेरल और। नेक्स्ट है आपका कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, मतलब कि किसी कोई कार्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल समझते हैं ताश का पत्ता लोग खेलते हैं, तो दो लोग आपस में खेल रहे हैं तो एक दूसरे छिपाने के लिए बहुत ही छिपा कर हम देखते हैं कि एकदम कोई सामने वाला पर्सन देख ना पाए, तो यही सिचुएशन रहती है कि अपने कार्ड को हम किसी दूसरे के एकदम चेस्ट के सामने रखते हैं, है ना? अपने तरफ रखते हैं कि सामने वाला किसी दूसरी तरफ से देख ना ले, तो इसके मीनिंग है किसी बात को छिपाना या हाइडिंग समथिंग। नेक्स्ट है आपका फ़िश आउट ऑफ वाटर। मछली है ना, मछली है, मछली को पानी से आप निकाल लेंगे तो वो कैसे रहेगी? इधर उधर तड़पेगी और मरने की सिचुएशन में आ जाएगी, यानी कि कुछ कष्टप्रद अवस्था है। आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, आपने क्या किया? किसी को उसके कंफर्टेबल प्लेस से निकाल कर आपने उसको बाहर कर दिया है। इसके मीनिंग है कि किसी को कष्टप्रद अवस्था में डाल दिया है। नेक्स्ट है आपका सी पिंक एलिफेंट। सी पिंक एलिफेंट, एलिफेंट का भी पिंक देखा है, है ना? पिंक तो नहीं होता एलिफेंट, या तो ग्रे होता है या तो ब्लैक को मान सकते हैं, ब्लैक होता है। तो किसी ने कहा कि मैंने गुलाबी हाथी देखा, पिंक एलिफेंट देखा, तो हम क्या बोलेंगे? पिकर आया हो क्या, है ना? पिकर आए हो तो ऐसा बोलेंगे, यानी कि आप एल्यूजन में जी रहे हो, आप भ्रम में जी रहे हो। तो मीन्स कि अत्यधिक नशा के कारण उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में ना हो, यानी कि एनी विजुअल एलुसिनेशन, है ना? तो ये आपका कहलाएगा सी पिंक एलिफेंट का एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका ईचिंग पाम। ईचिंग मीन्स होता है खुजली, पाम मीन्स होता है हथेली, हाथ की हथेली। कुछ लोग मानते हैं कि अगर आपकी लेफ्ट जो पाम है, हथेली है, उसमें खुजली होगी तो पैसा आएगा, और कुछ लोग मानते हैं कि राइट में अगर खुजली होगी तो पैसा जाएगा, है ना? तो इसी से कुछ रिलेटेड है। मीन्स कि रिश्वत लेने की आदत होना, क्रेविंग फॉर ब्राइब। ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत।
नेक्स्ट आपका क्रोकोडाइल टीयर्स, ये बहुत ही पॉपुलर है, मगरमच्छ के आंसू है ना, हिंदी में पड़े हुए हैं मगरमच्छ के आंसू, यानी कि दिखावटी आंसू जो रियल नहीं है, आपके इंटरनल फीलिंग्स नहीं है बल्कि कुछ आप दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अ फास्ट डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट आपका डॉग इन द मैंगर, मैंगर मीन्स होता है, मैंगर मीन्स होता है जो गाय भैंस होती हैं, गाय या भैंस के खाने की जगह जो होती है, जिसको हम चारा गाह भी बोल सकते हैं, चरही बोलते हैं, चरही, तो ये जगह है ना, यहाँ पर क्या किया, डॉग आकर बैठ गया है ना, डॉग तो चारा खाएगा नहीं है ना, भूसा खाएगा नहीं डॉग, वो तो गाय और भैंस खाती है, तो डॉग खुद तो खाएगा नहीं और इनको भी नहीं खाने देगा है ना, तो ये सिचुएशन होती है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग विथ ही कैन नॉट, यानी कि वो खुद तो वो इंजॉयमेंट ले नहीं सकता है, तो वो चाहता है कि वो दूसरा भी ना ले। नेक्स्ट है आपका बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये तो हम लोग सुनते आ रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, पहला कदम उठाना कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे, यानी कि शुरुआत कौन करे। नेक्स्ट है आपका स्वीट ऑफ वंस ब्रो, स्वीट ऑफ वंस ब्रो, स्वीट मीन्स पसीना है ना, ये मीठा वाला स्वीट नहीं है, मीठे वाले में डबल ही लगता है ना, स्वीट मीन्स होता है पसीना, वंस ब्रो, ब्रो यानी कि आईब्रो, जब कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, कोई मेहनत का काम करता है तो उसके पसीना निकलता है, जब पसीना ओवर हो जाता है तब वो आता है आईब्रो के ऊपर है ना, तो मीन्स की कड़ी मेहनत, हार्ड लेबर। नेक्स्ट है आपका फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट यानी कि मरहम है, मरहम है, मरहम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई पर्टिकुलर चोट है उस पर लगाने के लिए, और उस पर आकर मक्खी बैठ गई है ना, मीन्स कि ये मलहम क्यों यूज़ किया जा रहा है, ताकि ये चोट ठीक हो, तो उस पर मक्खी आके बैठ गई, यानी कि मलहम जो आपको प्रिवेंट करने वाला है, जो आपका एक तरीके से उपचार करने वाला है, प्रिवेंशन है, वही इन्फेक्टेड है ना, वही इन्फेक्टेड है, तो वो कहाँ से आपको रिलीफ देगा, तो यानी कि असुविधा। नेक्स्ट है आपका कीप द बॉल रोलिंग, यानी कि बॉल है, बॉल को आप क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, रोल नहीं करना यानी कि बॉल ढंगा रहे हैं, तो वो क्या कर रही, कंटिन्यूस चल रही है, तो मीन्स कि किसी भी काम को जारी रखना, कोई प्रोजेक्ट है कोई प्लान है जिसको जारी रखते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का स्टेप सुना होगा आपने, कुछ सर्किल के फॉर्म में होता है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर से स्टार्ट हो गया है ना, तो ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो चलता ही रहता है। नेक्स्ट है आपका गेट इनटू हॉट वाटर, यानी गर्म पानी में आप जा रहे हैं, या गर्म पानी आपने अपने ऊपर डाल दिया है, यानी कि कह सकते हैं गर्म पानी में कोई भी नहीं जाएगा, बट कह सकते हैं कि समस्या में फंसना, गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट है आपका एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, इसका क्या मतलब है, हेड आपका क्या है, हेड ओल्ड पर्सन का है, और जो बॉडी है या शोल्डर है वो आपका है यंग या चाइल्ड का, तो इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एन एक्सपीरियंस पर्सन, इस तरीके से कोई बच्चा है या यंग पर्सन है, वो इस तरीके से बातें कर रहा है जैसे कोई बहुत ही बड़ा बातें कर रहा हो। नेक्स्ट है आपका बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो सिचुएशन है, आप बीच में खड़े हैं, एक तरफ तो डेविल है ना, एक तरफ डेविल है यानी शैतान है, दूसरी तरफ क्या है, बहुत ही गहरा सागर है, ना आप इस तरफ जा सकते हैं ना इस तरफ जा सकते हैं, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं आगे कुआं और पीछे खाई, मीन्स कि दो गंभीर परेशानियों के बीच फंसना, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है आपका मेक बोथ एंड्स मीट, कोई रस्सी है जिसके दो एंड्स है, है ना, दो एंड्स हैं ये, कि दो किनारे हैं, आप क्या करते हैं इनको आपस में जोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा है ना, यानी कि आपकी क्या बन गई, एक लिमिट बन गई, आपको अब रहना है अपने लिमिट के अंदर, वही कहना चाह रहा है जिस तरीके से हिंदी में बोलते हैं कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, तो मीन्स कि जितना भी आपके इनकम है उसी में आपको गुजारा करना है, टू लिव विद इन वंस मीन्स। नेक्स्ट आपका लिव इन आइवरी टावर, आइवरी मीन्स होता है हाथी के दांत, यानी कि आप रहते हैं कहाँ पर, हाथी के दांत का बना टावर है उसमें रहते हैं, टावर यानी कि बिल्डिंग में रहते हैं, तो अगर ऐसा है तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि हाथी के दांत का बना है और इसमें सारी फैसिलिटीज़ है, मींस कि आप इसमें रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में मगन हैं, खुश हैं, आपको किसी दूसरे की कोई टेंशन नहीं है, संपन्नता से जीना एवं आम लोगों के सुख व दुख को दूर, सुख या दुख से एकदम दूर हैं आप, आपको किसी से कोई मतलब है, कौन खुश है कौन नाराज है। नेक्स्ट आपका पुल द वूल ओवर सम बॉडीज़ आइज़,
है ना, आप क्या कर रहे हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ठंड में आप सो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल सो रहे हैं या ओढ़ के लेटे हुए हैं, कोई पर्सन आता है जो आपसे रज़ाई खींच लेता है, ब्लैंकेट खींच लेता है, और आप क्या, आप उस सिचुएशन में क्या होगे, एकदम ठंड से कांपने लगोगे, है ना। तो ये काम कौन कर सकता है, आपके दुश्मन कर सकते हैं, है ना। यानी कि आपको कोई धोखा दे दिया है, आपको इस सिचुएशन में, यानी कि ऐसी ठंड में आपसे कोई रज़ाई ले लेता है, यानी कि आपके आईज से या आपके बॉडी से रज़ाई को, वूल को खींच लेता है, पुल कर लेता है, तो आपको मीन की कोई धोखा देना है। नेक्स्ट, आपका शेक इन द शूज़, यानी कि जूता पहना हुआ है आपने, शूज़ पहना हुआ है, उसी में कांप रहे हैं, मीन्स कि डर से कांपना, अ ट्रेम्बल विथ फेयर। नेक्स्ट, आपका मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ देखा होगा, फ्रूटी वगैरह आती है तो उसके ऊपर इस तरीके से पतली सी एक स्टिक रहती है, जिसको आप मुंह में लगा कर इसको, ये फ्रूटी को अंदर लेते हैं, पीते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉ। स्ट्रॉ देखा होगा, एकदम पतला सा होता है, तो एक मैन है, पर्सन है जो कि स्ट्रॉ की तरह है, पतला सा है, जब इतना पतला सा है तो उसका एकदम वीक पर्सन है ना, जिसके कोई मत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट है आपका डाई ए डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना, जैसे हिंदी में बोलते हैं कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते की मौत मरना, तो कुत्ते की मौत मरने का क्या मतलब है, मीन्स कि ऐसी मौत मरना, कुत्ते अगर उसकी डेथ हो जाती है, अब ऐसे ऐसे डॉग्स को नहीं बोलते हैं जो लोग अपने घर पे रखते हैं, लाखों रुपए का परचेज करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी तो बहुत अच्छे से केयर वगैरह होती है, लेकिन जो गलियों में ऐसे इस तरीके से आम तौर पर रहते हैं, तो अगर उनकी डेथ भी हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन होना, यानी कि शर्मनाक मौत मरना, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसी मौत जिससे कोई किसी को हर्ट भी नहीं हुआ है, टू डाई अ शेमफुल डेथ। नेक्स्ट है आपका एल्बो रूम, एल्बो रूम, कोई पावरफुल पर्सन है, कोई पावरफुल पर्सन है, वो कि उसने क्या किया है, एल्बो अपने इस तरीके से करके खड़ा हुआ है, यानी कि दोनों एल्बो को अपने कमर पे, अपने दोनों हैंड को अपने कमर पे रखा हुआ है, यानी कि उसको दिख रहा है कि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर पर्सन है ना। देखा होगा जो कुश्ती वगैरह होती है, उसमें जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, वो आते हैं और इस तरीके से दोनों एल्बो को अपने कमर पे रख के खड़े होते हैं, तो उन वो पर्सन जो होते हैं, उनका जो ये सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, तो बॉडी लैंग्वेज ही आपको बताती है कि आप एकदम से फ्रीडम है या बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो सफिशियंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, आप किसी भी काम को करने के लिए एकदम फ्री हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड यानी कि सच्चे जो आपका फेयर वेदर होता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, अच्छे मौसम के साथ ही है, मतलब गलत मौसम के आप मुसीबत के टाइम साथ देने वाले मित्र नहीं, अगर मुसीबत आएगी तो ऐसे दोस्त हैं जो कि भाग जाएंगे, वो नहीं है कि जो मुसीबत में साथ खड़े रहेंगे, तो किस तरीके के फ्रेंड है, फेयर वेदर फ्रेंड है, अच्छे समय के साथ तो रहने वाले दोस्त हैं। सेल्फिश फ्रेंड, हु आर विथ अस ओनली इन कम्फर्टेबल सिचुएशन, अगर हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो हमारे साथ तो जो फ्रेंड्स हैं वो रहेंगे, और अगर नहीं है तो वो क्विट हो जाएंगे एकदम। नेक्स्ट है आपका ऑयली टंग, हमारी जो ज़बान है, जो टंग है, वो फिसल जाती है ना, फिसल जाना यानी कि ऑयली है, तो ऑयल पर अगर फॉर एग्जांपल फर्श पर ऑयल पड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे, पैर आपका फिसल जाएगा, तो उसी तरीके से ऑयली टंग है, ज़बान ऐसी है, मीन्स कि खुशामद की भाषा आप बोलते हैं, फ्लैटरिंग वर्ड्स है, जो भी आपके वर्ड्स हैं वो फ्लैटरिंग वर्ड्स हैं, कोई भी बोल देते हैं, आप सोच समझ कर बात तो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैडन स्पीच, मैडन स्पीच मीन्स, मैडन मीन्स होता है स्त्री, है ना, स्त्री यानी कि वेमेन, तो मैडन की स्पीच यानी कि फर्स्ट स्पीच, आप इस तरीके से याद कर रही हैं कि मैडम क्या है, मैडम क्या कर रही हैं, पहला भाषण दे रही हैं, प्रथम सबके सामने भाषण दे रही हैं, प्रथम सार्वजनिक भाषण, तो इसको हम बोलते हैं मैडन स्पीच, मैडन मीन्स होता है वेमेन या स्त्री, ठीक है, यानी मैडन की स्पीच यानी कि पहली स्पीच, फर्स्ट स्पीच, जैसे हम लोग बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक लगा कर लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट यानी कि चूहे को सूंघना, इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये देखते हैं कि हमारे घरों में रैट तो रहते हैं, पॉपुलर है रैट, कभी कभी इनकी डेथ हो जाती है तो बहुत बदबू आती है ना, तो हम सूंघ कर ही पता लगा सकते हैं कि कुछ बदबू आ रही है, तो इसका जो सेंस निकल रहा है वो ये निकल रहा है कुछ गलत है ये महसूस कर लेना, टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन, आपको ये सस्पेक्ट हो जाए, ये महसूस हो जाए कि कुछ रॉन्ग हो रहा है।
इसी के साथ ये समाप्त होता है। वैसे तो idioms आपके बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड हैं, बट ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जो मैंने इसमें करा दिया है और ऑफलाइन क्लासेस में भी करवाया है, तो आप लोग वो और ये दोनों कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।